फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो में बॉलीवुड के सुपरस्टार सनी देओल और एक्ट्रेस अमीषा पटेल की अपकमिंग फिल्म गदर 2 से जुड़ी एक अपडेट के बारे में बताने वाली हूं। तो फ्रेंड्स, बॉलीवुड अभिनेता सनी देओल और अमीषा पटेल की आने वाली फिल्म गदर 2 का फैंस को बेसब्री से इंतजार है। हाल ही में फिल्म गदर 2 रिलीज होने से पहले कहानी लीक हो गई है, जो लोगों के बीच चर्चा में बनी हुई है। सनी देओल ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर फिल्म गदर 2 का फर्स्ट लुक पोस्टर शेयर किया है। इस पोस्ट में सनी देओल कुर्ता पैजामा पहने हुए दिखाई दे रहे हैं, सिर पर पगड़ी बांधे रहे, चेहरे पर गुस्सा और एक बड़ा हथौड़ा पकड़े हुए हैं। साथ ही पोस्टर पर हिंदुस्तान जिंदाबाद लिखा है। दरअसल गदर 2 साल 2001 में आई फिल्म गदर एक प्रेम कथा का सीक्वल है, जो इसी साल अगस्त में फैंस का मनोरंजन करने के लिए सिनेमाघरों में आ रही है। कई रिपोर्ट्स में कहा गया है कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर यानी 15 अगस्त 2023 को फिल्म रिलीज हो सकती है, जिसके बाद फिल्म को लेकर फैंस में खासा एक्साइटमेंट देखने को मिल रहा है। हम आपको बताते चले तो ऑफिशियली स्टेटमेंट बताया है कि गदर 2 से पहले गदर एक प्रेम कथा को रिलीज किया जाएगा। इसे उसी तारीख को रिलीज किया जाएगा जिसमें इसे 2001 में रिलीज किया गया था। फिल्म के मेकर्स ने यह फैसला इसलिए लिया है ताकि फैंस को फिल्म की पूरी कहानी एक बार फिर से समझ आ जाए। मेकर्स ने इस फिल्म को 15 जून 2023 को रिलीज करने का फैसला किया है और गदर 2 11 अगस्त को रिलीज होगी। वहीं बताया जा रहा है कि गदर 2 में तारा सिंह और शकीना के साथ उनके बेटे जीते की कहानी दिखाई जाएगी। पहले पार्ट में तारा सिंह पत्नी शकीना को लाने बॉर्डर पर पाकिस्तान जा पहुंचे थे, लेकिन अब दूसरे पार्ट की कहानी इसके आगे से शुरू होगी। गदर 2 को अनिल शर्मा ने डायरेक्ट किया है। फिल्म में सनी देओल, अमीषा पटेल के अलावा गौरव चोपड़ा, उत्कर्ष शर्मा और लव सिन्हा नजर आएंगे। उत्कर्ष शर्मा वही हैं जिन्होंने गदर एक प्रेम कथा में जीते का रोल किया था। सीक्वल में वह बड़े हो गए हैं। गदर 2 की ज्यादातर शूटिंग लखनऊ में हुई है। लखनऊ के लॉ मार्टिनियर कॉलेज को ही पाकिस्तान सेना का मुख्यालय दिखाकर यहाँ पाकिस्तान का झंडा फहराया गया था। एक प्रेम कथा एक सिख तारा सिंह की कहानी है, जिसे एक पाकिस्तान मुस्लिम लड़की सकीना से प्यार हो जाता है। सीक्वल के लिए सनी देओल और अमीषा पटेल दोनों अपनी भूमिकाओं को फिर से निभाएंगे। वही आपको बताते चले तो गदर उसी दिन रिलीज हुई जिस दिन आमिर खान की फिल्म लगान थी, जिसने इसे उस समय की सबसे बड़ी बॉक्स ऑफिस लड़ाइयों में से एक बना दिया। हालांकि फिल्म ने बॉक्स ऑफिस में बड़ी सफलता हासिल की। तो फ्रेंड्स, गदर 2 फिल्म के बारे में आपका क्या कहना है, प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।